हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स रहे, सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद कल के लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 104.022, 103.991 का लेवल। ये दो डिसिसिव लेवल्स थे, हमने डिस्कस किया था जो भी लेवल टूटेगा उस साइड का हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, मार्केट ने बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, फर्स्ट टारगेट हिट किया, उसके बाद मार्केट ने वापस नीचे फॉल लिया है। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गिरी है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। अगर आप डे के चार्ट पे यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर आप ड्रॉइंग्स ऑफ करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी कैंडल्स जो यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिल चुका है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, और हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमें बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मार्केट ने इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी थी कल वाली कैंडल की, जो कल बियरिश कैंडल बनी है उसने हमारे जो सपोर्ट लेवल है उससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे रही थी, और इसलिए आज हमें एक बुलिश मूव भी देखने को मिला है। और जो बुलिश मूव है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसने हमारे सभी टारगेट्स को अचीव कर दिया है। यहाँ से फिर से फर्स्ट अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट हिट हुआ, उसके बाद थर्ड टारगेट एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स में अपसाइड का मूव एक्टिवेटेड था और उसने बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स को हिट भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में एक नेगेटिव मूव आया, और हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमारे डिसिसिव लेवल 2027 को ब्रेक कर देती है तो अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा 2030 तक का। इसके बाद देखिए, मार्केट ने वीक कैंडल्स दी हमें, लो वॉल्यूम के ऊपर ही हमें वीक कैंडल देखने को मिली, नेक्स्ट डोजी, और उसके बाद हमें ये रेड कैंडल देखने को मिली। इस रेड कैंडल ने, डोजी के बाद जो रेड कैंडल आई है, इसने ये कन्फर्म कर दिया कि मार्केट अभी नीचे जाने वाली है स्ट्रांगली, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जो पैटर्न बनता है, पहले बुलिश मूव आ रहा है, फिर मार्केट वीक हो गई, फिर रेड कैंडल मिलने लग गई, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट नीचे गिर सकती है। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, ट्रेड लाइन से सपोर्ट ले रही थी मार्केट, मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, कोशिश करी मार्केट ने पूरा ऊपर ऊपर सस्टेन करने की, लेकिन मार्केट अपना जो अपर लेवल है 2030 का उसके ऊपर रुक नहीं पाई। उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड को तोड़ा और मार्केट नीचे गिरी है। नीचे गिरने के बाद मार्केट ने 2025 को ब्रेक किया, इसके बाद फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट यहाँ पर हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आज के मूवमेंट्स आई है मार्केट में, और अब हम बात कर लेते हैं कि कल के क्या लेवल्स रह सकते हैं, उसके बाद हम सिल्वर के लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले ये देखिए एक अप ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है, छोटा सा अप ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करके देखते हैं, अगर ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और नज़र आ रहा है हमें, तो ये भी हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले इस ट्रेंड लाइन को इरेज कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी वेट करनी है, और अगर डिसिसिव लेवल सबसे पहले मार्क करते हैं, 104.081 अपसाइड का और 104.022 सेल साइड के लिए ट्रेड हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा। 104.081 टूटा तो 104.162, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन रेजिस्ट करेगी, ये ब्रेक होती है तो 104.235, और उसके बाद देखिए एक बड़ा मूव आप मार्क कर लीजिए 104.300 तक के लिए। ये क्यों मार्क किया हमने, क्योंकि कल बहुत सारा डाटा आ रहा है, कल यूरोप का, यूके का, डॉलर इंडेक्स का भी काफ़ी सारा डाटा आ रहा है, सीपीआई का डाटा आ रहा है, मैनुफैक्चरिंग सीपीआई का डाटा आ रहा है, और यूएस का जो है, डॉलर इंडेक्स का जो है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा भी आ रहा है। तो काफ़ी सारा डाटा आ रहा है, और उसके लिए हमें बहुत सारा स्ट्रॉन्ग मूव मल्टीपल टाइम्स कल देखने को मिलेगा। तो डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली कल के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेल साइड के टारगेट्स की। अगर 104.022 ब्रेक होता है तो 103.991 फर्स्ट, 103.896 सेकेंड, 103.809 थर्ड टारगेट रह सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरह का मूव आ सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे डिसिसिव लेवल्स आज के लिए थे उनको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं, और अपने नए डिसिसिव लेवल्स को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो डिसिसिव लेवल है, वो नियरेस्ट लेवल जो है वो रहेगा 2022.315 और 2023.831,
इन दोनों में से जो भी ब्रेक होगा उस साइड का हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा। जो भी ब्रेक होगा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, फिर डोजी बनी है और अभी भी देखिए इसमें मूव आ नहीं पा रहा है। और ये जो है यहाँ पे एक हमें इन्वर्ट एक हैमर टाइप कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्लोज नहीं हुई है कैंडल, क्लोज होने में 41 मिनट्स हैं, तो ये किसी भी तरह से क्लोज हो सकती है। तो ऊपर ऊपर क्लोज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, तो अगर वो यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसलिए अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक हुआ तो 2025 फर्स्ट, 27 सेकेंड, 30 थर्ड टारगेट। अगर लोअर लेवल ब्रेक होता है तो 2019, 17 और 14.779 थर्ड टारगेट। तो इसको आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये हमें कल काफ़ी गाइड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं XAG USD और सिल्वर फ्यूचर्स की भी। यहाँ से देखिए दो डिसिसिव लेवल्स मार्क किए थे, 23.09 और 23.02। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट लोअर लेवल ब्रेक करेगी तो नीचे का टाफ का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। ऑल दो मार्केट ने एक ही कैंडल पर इसको हिट किया और मार्केट पूरे दिन इससे सपोर्ट लेते रहे, ऊपर की तरफ ब्रेक किया। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली, वॉल्यूम में इंक्रीज हुई यहाँ पर, और इसके बाद मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हिट किया। उसके बाद मार्केट इसी लेवल से पूरे दिन रेजिस्टेंस लेते रहे, तो दोनों लेवल ने हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट ने हमारे को काफ़ी गाइड किया। और यहाँ से मार्केट ने सेल साइड के ट्रेड्स देखे, यहाँ से एक्टिवेट हुआ फिर से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। इसके साथ ही मार्केट ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों टारगेट्स एक ही कैंडल पर हिट कर दिए। और अभी जो है मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है और सपोर्ट ले रही है 22.808 से। ये लेवल भी हमने आपके सामने ही मार्क किया था कि किस बेसिस पे है, हिस्टोरिकल बेसिस पे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके बेसिस पे हम इनको मार्क करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर की, कि सिल्वर में किस तरह का मूव हमारा आज देखने को मिला है। तो सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें तो एक डिसिसिव लेवल था 71.226। यहाँ से मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक गैप अप ओपन किया, लेकिन मार्केट नीचे गिरी है। यहाँ से सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, और उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी लिया थोड़ा सा एक बारी, उसके बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई है। तो डिसिसिव लेवल ने हमें सिल्वर फ्यूचर्स में भी काफ़ी हेल्प किया है। बात कर लेते हैं कि कल क्या मूव आ सकता है, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं सबसे पहले डे के चार्ट पर। देखिए मार्केट तो सर नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है, मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी थी ट्रेंड लाइन को, सस्टेन नहीं कर पा रही है, अभी नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये है 22.808 का लेवल। ये लेवल देखिए आप यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम सपोर्ट दे चुकी है, यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे चुकी है। ठीक है, तो ये लेवल बहुत स्ट्रांगली मार्केट को होल्ड करे हुए है, तो अभी भी मार्केट इस पर सपोर्ट ले सकती है। तो ये जो अभी लेवल है हमारा जिस पर अभी मार्केट है, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग बना हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, डिसिसिव लेवल मार्क करते हैं। इसी लेवल को हम मार्क करेंगे एज डिसिसिव लेवल, बाकी सारे लेवल्स हमारे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे या हमारे टारगेट लेवल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, कल स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, कल काफ़ी सारा डाटा आ रहा है, तो आप बड़े टारगेट्स इसमें प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट 22.808 से सपोर्ट लेकर बुलिश होना शुरू करती है तो मार्केट 22.906 फर्स्ट, 938 सेकेंड, इसके बाद 95 थर्ड और 99 लास्ट टारगेट रह सकता है। सेल साइड की बात करें, अगर 22.808 के नीचे क्लोजिंग देती है 22.697, 625 और 555, ये तीन लेवल्स हमारे सेल साइड के रह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर फ्यूचर्स की, तो यहाँ से देखिए मार्केट ट्रेंड लाइन के जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, यहाँ से इस पर काफ़ी टाइम से जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अभी इसने तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन अभी मार्केट वापस इसके अंदर अंदर मूव कर रही है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे ही काम कर रही है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे डिसिसिव लेवल्स जो रहेंगे वो रहेगा एक तो 70,778 का लेवल, दूसरा रहेगा 70,630 का लेवल। 630 वाला लेवल टूटा तो 526, 70,334 और 70,158 टारगेट्स रहेंगे, और 70,778 टूटा तो हमें ट्रेंड लाइन टूटने की वेट करनी पड़ेगी। ये ब्रेक हो जाएगी तो 70,992, 71,136 और 71,226 ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए कल के लिए, ये हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और डाटा एनालिसिस की वीडियो मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।